हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए iGear की तरफ से एक मस्त मैकेनिकल कीबोर्ड। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। सो गाइज, ये कीबोर्ड मुझे पड़ा था 2000 रुपीज का, जो कि मैंने अमेजोन से परचेस किया है। इस कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस अच्छा था। अगर आप उस अनबॉक्सिंग को देखना चाहते हैं तो आप शॉर्ट सेक्शन में जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने सारा अनबॉक्सिंग कर रखा है इस कीबोर्ड का। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सो दैट हम ऐसे यूनिक कीबोर्ड आपके सामने लाते रहें और गेमिंग पेरिफेरल्स लाते रहें। सो गाइज, अगर आप इस कीबोर्ड का बिल्ड देखते हैं तो ये 2000 के हिसाब से ठीक है, काफी अच्छा नहीं है। अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें तो ये 64 डबल इंजेक्टेड मैकेनिकल कीज के साथ आता है, साथ में वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी है और एंटी की होस्टिंग भी सपोर्ट करता है। ये YH ब्लू स्विचेस प्रोवाइड करती है ये कंपनी। अगर हम इसकी पावर की बात करें तो ये मिडिल में टाइप सी पोर्ट दे रखा है इन्होंने, और पीछे दो एलिवेशन स्विचेस हैं, एक नॉर्मल वाली जो कि आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं और एक लोअर हाइट एडजस्टमेंट के लिए एक ये है। जहां तक बात करें हम इसके कीबोर्ड फ्लेक्स की, तो इसमें कीबोर्ड फ्लेक्स है बट वही काफी कम है, काफी ज्यादा नहीं है। और इसके साथ कंपनी हमें टाइप सी केबल प्रोवाइड करती है जो कि काफी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। अगर आप देखते हैं तो ये एवरेज क्वालिटी बोल सकते हैं या बिलो एवरेज, काफी अच्छी क्वालिटी नहीं है। टाइप सी केबल है बट एवरेज सी है, काफी कुछ अच्छी नहीं है। इससे अच्छा केबल प्रोवाइड कर सकते थे चाहे तो कंपनी, बट आई डोंट नो कि ऐसा प्रोवाइड क्यों कराया उन्होंने। अगर आप इसकी बिल्ड की बात करें, इसके फिनिशिंग की बात करें तो वो भी ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। इसके सेम प्राइस में हमें फोटोनिक्स का हाइड्रा 10 मिलता है, हमने पहले वाली वीडियोस में भी उसे फीचर कर रखा है, तो मेक श्योर आप उस वीडियो को भी देख ले। अगर आप उससे इसको कंपेयर करते हैं तो ये अच्छा पैकेज नहीं प्रोवाइड कर रही है। फोटोनिक्स हाइड्रा 10 में जो है ना, जो फिनिशिंग थी और जो प्लास्टिक उन्होंने यूज करा था काफी अच्छा है। ये भी प्लास्टिक बिल्ड है लेकिन काफी खाली सा फील होता है ये, और अगर आप इसको शेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें वियर्ड सी साउंड है। सो आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड, ये सिर्फ चोर कटाई कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे चोर कटाई क्या होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट ये चोर कटाई कर रहे हैं इन्होंने बस कि हाँ चलो सस्ते में कीबोर्ड निकाल देते हैं, इंडियन कंज्यूमर्स ले ही लेंगे, बट आई एम नॉट दैट इम्प्रेस्ड। अगर आप कंपेयर करते हैं इसका प्राइस रेंज हाइड्रा 10 से तो ये 2000 रुपए का है। इसकी जो फीचर्स हो सकती थी अच्छी हो सकती थी, ये फुल्ली हॉट स्वैपेबल भी नहीं है। हाँ, RGB जो इन्होंने पीछे दिया है वो यूनिक है, बट अगर आप इसको फ्लेक्स करते हैं, अगर आप गौर से देखें तो आप देख सकते हैं इसका टाइप सी पोर्ट तक हिल रहा है। लाइक क्या फिनिशिंग दी है भाई कंपनी ने यार, यू हैव टू बी अ गुड प्रोवाइडर टू योर कस्टमर्स। ऐसा बेकार सा कीबोर्ड अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, बेकार तो नहीं मतलब ठीक है चल जाएगा काम, लेकिन चोर कटाई तो कर रखी है ना इन्होंने। अगर आप इसको कंपटीटर्स की तरफ से देखते हैं, एज अ कंपटीटर अगर आप देखते हैं कि आपके मार्केट में फोटोनिक्स हाइड्रा 10 भी अवेलेबल है तो कोई क्यों खरीदेगा। इसमें वायरलेस भी नहीं है, फोटोनिक्स तो वायरलेस भी है। और अगर आपको फोटोनिक्स और इसका कंपेरिजन वीडियो चाहिए तो वो भी हम आपके लिए ला देंगे, कॉमेंट डाउन करिए आपको चाहिए या नहीं। सो गाइज, हम इसके RGB की तरफ बढ़ते हैं। गाइज, RGB में ये कुछ ऐसा दिखता है, काफी ज्यादा ब्राइट RGB नहीं है, बट एक यूनिक चीज है इसमें, इसमें पीछे में इन्होंने RGB दे रखा है जो कि काफी ब्राइट है, बट आगे इतना ज्यादा ब्राइट नहीं है, नॉट दैट इम्प्रेस्ड। बट हाँ, 23 क्लेम करते हैं लाइटिंग मोड, सम ऑफ द लाइटिंग मोड ये है इनके। ये कुछ लाइटिंग मोड्स थे जो कि हमने आपको दिखा दिए हैं, और इसकी ब्लू स्विचेस में आता है, ये कीज ब्लू है इसके, बट यार इतना ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है ये। मतलब आप इसको कंसिडर करिए या फिर फोटोनिक्स को करिए, तो मैं बोलूंगा कि फोटोनिक्स को करें, इसे कंसिडर ना करें। फर्स्ट कीबोर्ड है ब्रांड की तरफ से तो हो सकता है कि इम्प्रूवमेंट्स ला सके ये और, बट मेरे तरफ से तो आई डोंट थिंक सो अभी इसे बाय करना चाहिए। अमेजोन पे रिव्यूज हैं इसके, अच्छे रिव्यूज दे रखे हैं लोगों ने, आई डोंट नो इफ दैट्स पेड और जेन्युइन रिव्यूज हैं, आई डोंट नो, बट दैट्स इट। और जहां तक की बात करते हैं, अगर हम इसको अनप्लग करते हैं और इस कीबोर्ड की पीछे आते हैं, इन्होंने जो ये क्लिप्स दे रखे हैं ना, ये क्लिप्स ज्यादा मजबूत नहीं है। अगर आप गेमिंग कर रहे हैं और आपने रेज में इस पर मुक्का मारा तो सिस्टम खराब हो जाएगा इसका, तुरंत इसको रिटर्न करना पड़ेगा, और इसमें रिप्लेसमेंट नहीं है। इसमें ब्लू स्विचेस आती है जो कि मैंने पहले आपको बताया है, इसकी ब्लू स्विचेस कुछ ऐसी दिखती है, और इसकी जो की कैप्स है ये कुछ ऐसी दिखती है आपको।
काफी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, एवरेज सी क्वालिटी की है, जल्दी फेड आउट नहीं होंगी रेगुलर यूज पर, बट हाँ ठीक ठाक क्वालिटी इन्होंने की कैप्स की रखी है और स्विचेस भी ठीक ठाक ही है, कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। पोटोनिक साइडा 10 के हिसाब से भी ठीक ठीक है, हॉट स्वैपेबल नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हॉट स्वैपेबल कीज इसकी नहीं है, अगर आपने इसको चेंज करना चाहे तो आप नहीं कर सकते हैं इसको चेंज। कंपनी हमें एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी देती है, इस कीबोर्ड के साथ एक सॉफ्टवेयर आता है, चलिए सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। तो ये है इसका बेसिक सा सॉफ्टवेयर जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है आपको, इसमें आप अलग अलग प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, मैक्रो की सेट कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि जैसे चाहे आप विंडोज की पर क्लिक करते हैं तो आप उस पर मीडिया भी सेट कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन की भी सेट कर सकते हैं। इसमें एक गेम मोड भी है जिसमें कि आप अलग अलग कीज को अलग अलग कलर से कॉम्बिनेट कर सकते हैं, आपका जैसा प्रेफरेंस है वो भी कर सकते हैं, तो काफी अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है कंपनी। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और आगे हम और यूनिक गेमिंग पेरिफेरल्स आपके सामने लेते आएंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक और कॉमेंट डाउन करें कि इस कीबोर्ड के बारे में आप क्या और जानना चाहते हैं, और अगर आपको इसका और पोटोनिक साइडर 10 का कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट डाउन करें, सो दैट हम उसे तुरंत से तुरंत ला सके। स्टे ऑसम, बाय बाय।